क्या खूब कहा है, वक्त हालात मौसम कैसे भी हो, वक्त हालात मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय बजरंगबली महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा बजरंगबली महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि भोजन पचा पाने की शक्ति उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्होंने पूर्व के जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि किस्मत वालों को सर्वोच्च संपन्न और समझदार पत्नी मिलती है। वर्तमान संदर्भ में गुणवान पत्नी का मिलना पुण्य के फल से कम नहीं होगा। अपने जीवन साथी का आदर करने वाले व्यक्ति को ही ऐसी पत्नी मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे काम शक्ति वाले इंसान भी भाग्यशाली होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति काम के बस में नहीं होना चाहिए, काम के बस में रहने वाले शख्स का जल्दी विनाश हो जाता है। धन के सही इस्तेमाल की जानकारी का होना भी खुशहाल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। आज चाणक्य कहते हैं कि धनवान होने से ज्यादा जरूरी धन के इस्तेमाल की जानकारी होना है, ये गुण भी कर्मों के पुण्य से ही प्राप्त होता है। दान देने वाला स्वभाव बेहद कम लोगों में होता है और ये भी किसी पुण्य के फल से कम नहीं होता है, क्योंकि धरती पर धन वालों की कमी नहीं है। फिर भी भंडार भरा होने के बाद भी व्यक्ति दान देने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता, वही गरीब व्यक्ति भी अपने गुजारे के धन में से जरूरतमंद को मदद कर देता है। चाणक्य के मुताबिक ये गुण भी पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 7। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि फल के बारे में, कैसे रहेगा आपका आय का दिन, आय जानते हैं। कन्या राशि वाले आय भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। पैसे कमाने के लिए नए मौके आपको मिलते रहेंगे। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कर्मों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। आप रोमांटिक ख्यालों और अपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। आय खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। किसी दोस्त की सहायता करके आय आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। कन्या राशि वाले आय अपनी सेहत से संबंधित चिंता होने की वजह से जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करें। की वजह से परिवार के लोग भी खुद की जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश अवश्य करेंगे। किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है। प्रोडक्शन संबंधी कारों में रुकावट आने की वजह से नुकसान हो सकता है। समय के अनुसार कार्य प्रणाली में लचीलापन लाने की जरूरत है। मार्केटिंग संबंधी कामों को भी बहुत ही सावधानी से करें। ऑफिस में कर्मचारियों की मेहनत से काम पूरे होंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुखद व सामंजस्यपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणत होने के अवसर मिलेंगे। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। आपको उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी की आलोचना या उसके साथ किसी भी तरह की राजनीति करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रेमी के साथ विवाह करने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले आय नौकरी पैसा लोगों के सामने अचानक कुछ अनचाही स्थितियां बन सकती है। कुछ मामलों में अधिकारियों से मदद नहीं मिलने के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश भी आप करेंगे। बिजनेस में उधारी से बचने की कोशिश करें। लोगों को ज्यादा उधार देने से बचें। आय आपकी कई परेशानियों को सफेद रंग दूर कर सकता है। इस रंग के वस्त्रों को धारण करने से आपका मानसिक तनाव कम रहेगा। चमकीले और गहरे रंगों से बचें। कन्या राशि वाले आय कोई मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप उठा पाएंगे। नौकरी में कार्यभार रहेगा, आय में निश्चितता रहेगी। जल्दबाजी से काम में बाधा उत्पन्न होगी, दौड़ धूप अधिक रहेगी, चिंता तथा तनाव रहेंगे। दोस्तों आय का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। सामाजिक मोर्चे पर आप खुद को सुर्खियों में पा सकते हैं। आय आपको सलाह दी जाती है कि दिखावा करने वाले लोगों से बचकर रहे। जीवन साथी और आपके बीच में एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी जिससे आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ नया कर सकते हैं। आय आर्थिक लाभ के लिए आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को आय कोई खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। अपने काम में नयापन लाने के लिए नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। इसमें सुधार नजर आएगा और योग्य डॉक्टर के द्वारा मिले हुए इलाज के कारण पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। यात्रा पर जाने वाले लोगों को अपने साथ ज्यादा कैश नहीं ले जाना चाहिए, सतर्क रहना होगा। अगर ले जाते हैं तो आय का दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, साथ ही आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आज किस्मत आपके साथ रहेगी। इस राशि के लोगों के कारण
कारोबार में बढ़ोतरी होने और आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है। ऑफिस के कामों में आए आपके सहकर्मी आपसे मदद मांग सकते हैं। रिश्तेदारी की कोई पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही है तो उसे आप आसानी से सुलझा सकते हैं। कन्या राशि वाले, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। किसी अपने करीबी से वाद विवाद भी हो सकता है। आपको उदार विकार पेट में दर्द हो सकता है। उदार विकार की दवाई साथ रखें। आज कोई नया काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन है। दोस्तों, आपको अपने बुजुर्गों से महंगे तोहफे प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। मोमबत्ती की मंद मंद रोशनी में रात्रि भोज और रूमानी मेले मिलाप के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपके जीवन साथी आप पर प्रेम, सेवा और स्नेह की बौछार करेंगे। आपकी स्थिति में सुधार होगा। आपकी वफादारी और मेहनत से काम करने की प्रकृति की वजह से आपको मान्यता मिलेगी। व्यापार बहुत ही लाभदायक रहेगा। निवेश और अचल संपत्ति से आर्थिक लाभ की संभावना है। आपको व्यापार में नए ग्राहक मिलेंगे। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आप तगड़ा महसूस करेंगे और आपकी शारीरिक सहन शक्ति उम्दा होगी। आने वाले दिनों में अपने शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त रखने की प्राथमिकता दें। इससे आप आकस्मिक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचे रहेंगे। कोई नई स्वास्थ्य प्रणाली आरंभ करने में बुद्धिमानी साबित होगी। कन्या राशि वाले, आप बहुत ही आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि आप अपनी अनिश्चितता प्रदर्शित न करें। काम से संबंधित छोटी यात्रा दिन के अधिकांश भाग के लिए आपको व्यस्त रखेंगे। आय आपके लिए उन भाग्यशाली दिनों में से एक है जब किस्मत आप पर मुस्कुरा रही है। ये आपको इतना ऊंचाई तक ले जाएगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। आय काम की अधिकता ज्यादा रहेगी, परंतु आप पूरे मनोयोग और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। ये समय अपनी प्रतिभा और क्षमता को जागृत करने का है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अफवाहों की चिंता न करते हुए अपने कार्यों में व्यस्त रहें। सफलता मिलने पर ये लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे। किसी पारिवारिक सदस्य का व्यवहार चिंता कारण बन सकता है। अपने स्वयं में सहजता बनाकर रखें। कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन यूं तो सामान्य रहेगा, परंतु आपकी राशि के छठे भाव में बुध और शनि की युति तथा दिन के उत्तरार्ध में बहुत ही अच्छे रहने वाला है। आंख से संबंधित समस्या से परेशान भी थोड़े रह सकते हैं। ऐसे में आपको अच्छा भोजन करने और किसी भी धूल भरी व प्रदूषित जगह पर जाने से बचना चाहिए। समय समय पर ठंडे पानी से अपनी आंखें धोते रहना चाहिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बजरंगबली महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यह का राशिफल अपने दोस्तों से करना। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।